हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे वेव एनर्जी के बारे में तो दोस्तों वेव एनर्जी या वेव पावर हमारा इज द ट्रांसपोर्ट एंड कैप्चर ऑफ एनर्जी बाय ओशन सरफेस वेव द एनर्जी कैप्चर्ड इज देन यूज्ड फॉर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजफुल वर्क इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाटर डिस्टिलेशन और पंपिंग ऑफ वाटर वेव एनर्जी हमारा इज दल्सो टाइप ऑफ रिनेबल एनर्जी एंड इज द लार्जेस्ट एस्टीमेट ग्लोबल रिसोर्स फ्रॉम द ओशन एनर्जी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं दोस्तों जो फर्स्ट पेटेंट वेव एनर्जी का हैपन हुआ था इन पेरिस 1799 में और मोनिस गाइड एंड सन द यूजिंग डायट मैकेनिकल एक्शन टू ड्राइव हैवी मशीनरी इंक्लूडिंग मिल्स सॉस एंड पम्प्स आफ्टर द फर्स्ट Patent thousand more followed. There were three forty from eighteen fifty to nineteen seventy three in U K in the U K alone. Another early application in nineteen ten. bochex, Perseus developed a device to light and power in his house. This is the application was also in France. So, so the wave device opposite incorporates you know corporates and electricity.

So, you do technology here there are the multiple different technologies used for the wave energy there are the five main type of technology used including ablesters attenuators oxidation water column over topping and inverted pendulum device Abusters extract the energy from the rise and fall the wave with boy once the energy is extracted इट इज द कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद अ लीनियर और रोटरी जनरेटर। दिस इज द डायग्राम डायग्राम में आप देख सकते हो दैट इज योर देखिए यहाँ पर यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा दिस इज योर फ्लोटिंग कंडीशन ये ऊपर का जो पोर्शन है जो कि फ्लोट कर रहा है यहाँ पे स्पेयर लगा है और यहाँ पे केबल्स फ्राम द अदर पावर पॉइस दिस इज योर अंडर सी सब स्टेशन यहाँ पे देखिए ये समुद्र के ऊपर का हिस्सा आप देख सकते हो और यहाँ पर ये यही चीज़ समुद्र के नीचे जो बात बनाया गया तरीका वो आप देख रहे हैं यहाँ पर समुद्र का फ्लोर है या हैवी प्लेट है या स्पेयर है या अंडर सी सब स्टेशन आप देख सकते हो यहाँ पर यह केबल टू स्टोर किस तरह से यहाँ पर इस वेव एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं इस डायग्राम में आप समझ सकते हो तो attenuator capture energy by being placed perpendicular to the length of the wave this causes the attenuator to continue to initially flex where segments are connected This connection is then connected to hydraulic pumps with convert the energy this is the OWC oscillation water columns, column which is partially submerged enclosed structure the upper part of the structure above this uh, water is filled with air and incoming waves are fluent into the bottom parts of the structure when these waves come through the structure it causes the water column to rise and falls with the wave which causes the air in the top structure to pressurize and depressurize this is this in turns pushes the and pulls air कनेक्टेड एयर टर्बाइन एट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर कन्वर्टिंग एनर्जी यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम है दीज आर द वेव्स दिस इज द वेव वेव्स किस तरह से जा रही हैं फिर यहाँ पर आपका कैप्चर चैम्बर फिर देख सकते यहाँ पर और फिर यहाँ पर आपका टर्बाइन दिस इज द एयर कंप्रेस्ड इनसाइड द चैम्बर है तो ओवर स्टॉपिंग हैज़ अ वेव लिफ्ट ओवर अ बैरियर विच फिल्स अ रिजर्वायर विद द वॉटर एंड देन इज ड्रेंड थ्रू अ हाइड्रो टर्बाइन ये टेक्नोलॉजी जो होती है वेरी सिमिलर टू अ कन्वेशन हाइड्रो पावर डैम की तरह है इन्वर्टेड पेंडोलम डिवाइस यूज द मोशन ऑफ वेव्स टू मूव अड पैडल बैक एंड फोर्थ द मोशन ऑफ द पैडल ड्राइवस हाइड्रोलिक पम्प विच ड्राइव्स एलेक्ट्रिकल जनरेटर करंट एंड पॉसिबल फॉर्म्स की बात कर लेते हैं दोस्तों तो एनर्जी स्टिल रिलेटिवली न्यू और देयर आर फ्यूर एरिया डेट करंटली है इंस्टॉलिंग वेव फॉर्म्स सम मेन एरियाज ऑफ द वेव फॉर्म्स आर द पुर्तगाल एंड यूनाइटेड किंगडम ऑस्ट्रेलिया एंड यू एस पुर्तगाल ने क्या किया दोस्तों हैज़ अ वेरी फर्स्ट वेव फॉर्म देव फॉर्म जो कि थ्री माइल्स ऑफ स्टोर है नॉर्थ ऑफ पोर्टो designed with the three premiums wave energy converters United Kingdom in May 2010 we all get a wave from or launch in the Scotland Australia the wave uh, have wave form that are currently under developed by the west coast of the near Portland Victoria US the US have has to wave form or the west coast by the Oregon pros and cons, Thanks for watching and sharing.